नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों, इस वीडियो प्रैक्टिस सेट पेपर में जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन और एक सरप्राइज क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। आपने तैयारी करी है जनरल अवेयरनेस की तो सेट पेपर सॉल्व करिए, 30 में से ज़्यादा स्कोर आपकी तैयारी बहुत अच्छी दर्शाएगा। दोस्तों, वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा जिससे और भी दोस्तों तक ये क्वेश्चन पहुँच सकें। चैनल पर रोज जनरल अवेयरनेस की लाइव क्लास होती है 6:30 बजे से, आप पर डे आ सकते हैं जनरल अवेयरनेस की लाइव क्लास में, मैं रोज़ लाइव भी पढ़ाता हूँ। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ध्यान से क्लिक कर लें जिससे कोई भी अपडेशन होती है तो आपको तुरंत पता चले और सेट पेपर जैसे ही अपलोड होते हैं तो तुरंत आप अपडेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है यहां स्क्रीन पर। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7वां और 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है यहां स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो 1932 के पूना समझौते के साथ भारतीय दलित वर्ग का संबंध था, और जी राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। केरल जिसका भी आंसर है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया यहां स्क्रीन पर, पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स वीपी मेनन के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर चल रही है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां स्क्रीन पर, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय के द्वारा यह कथन कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी, लाला लाजपत राय का यह कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया यहां स्क्रीन पर, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया यहां स्क्रीन पर, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव 1929 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में रखा था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया यहां स्क्रीन पर, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 64 लिपियों का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है यहां स्क्रीन पर, इनमें से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसमें से गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता, गणित में मिलता है एबल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया यहां स्क्रीन पर, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो दामोदर नदी घाटी से बंगाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल और झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया यहां स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन,
आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू किया गया? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण जो है आपका सितंबर 1974 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतिहास स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई थी? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 51वां संशोधन, ऑप्शन नंबर 98 सही उत्तर हो जाएगा। 91वां संशोधन, 91वां संशोधन, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत 1 करोड़ की धनराशि प्रदान की जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ में वेब मिलर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसमें से तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना परामबिकुलम अलियार परियोजना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है, बताइए कौन सा अधिकार है जिसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है 44वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का प्लान था, ऑप्शन नंबर लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा उत्पन्न ये विभाजन का प्लान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतिहास स्क्रीन पर। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो हड़प्पा की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, इतिहास स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किए जा सकते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किसके द्वारा? अकेले संसद के द्वारा ही संशोधित किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, भारत के संविधान में नवी अनुसूची किस संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारत के संविधान की नवी अनुसूची आपके ऑप्शन नंबर पहला संशोधन जो है आपका,
ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, पहले संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इतिहास की पर। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? राइट आंसर क्या है बतलाइए, चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत यह किया गया था। तो मॉन्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट के प्रारूप का प्रथम प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इतिहास की इन पर। अगला क्वेश्चन, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए, चलिए देखते हैं। तो भारत का चित्रकूट जलप्रपात जो है आपका, यह नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर चित्रकूट जलप्रपात सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आशफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों से महिला संगठनकर्ता के रूप में था? ग्राउंड लेबर पर महिला संगठन कार्यकर्ताओं के रूप में अरुणा आशफ अली इन चार ऑप्शन में से किस आंदोलन में काम कर रही थी बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इतिहास की इन पर। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। साथ साथ आपने कितना स्कोर किया वो भी स्कोर अपना अपने नाम के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे पर डे आपको प्रैक्टिस सेट पेपर के ये वीडियो और लाइव क्लास की अपडेशन मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और दोस्तों अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें कि आपका कितना स्कोर रहा और क्वेश्चन आपको कैसे लगे। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।